उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संपूर्ण प्रदेश में मनाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के 10 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज पंचायत भवन सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करते हुए किया गया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली एवं शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान को बेहतर रूप से संचालित करने वाली 101 महिलाओं को सम्मानित करना था। कार्यक्रम में समाज की प्रबुद्ध महिलाओं को जोड़ने, बालिका विद्यार्थी की सहभागिता कराने के साथ साथ विभागीय योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के संबोधन को भी लाइव दिखाया गया। कार्यक्रम में मुरादाबाद मंडल के आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष विशेष गुप्ता, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सदस्य गोपाल अंजान, जिलाधिकारी मुरादाबाद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद, मुख्य विकास अधिकारी मुरादाबाद एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित रहे। वंदना उपश्रम आयुक्त मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद द्वारा गत दिनांक 15 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा संचालित पुत्री विवाह सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत 2754 निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों के भव्य सामूहिक विवाह का कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित कराने एवं मिशन शक्ति अभियान के कार्यक्रमों को विशेष रुचि लेकर जनपद में व्यापक जन जागरूकता लगाने के लिए उन्हें जिला प्रशासन द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं उत्कृष्टता सम्मान प्रदान किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहाँ पे जो हमारा मिशन शक्ति अभियान चल रहा था, तो उसको दोनों को क्लब करके एक यहाँ पे जो हमारे ज़िले में बेहतरीन काम करने वाली महिलाओं को, जो विभिन्न क्षेत्र से, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वो क्रीड़ा का क्षेत्र हो, या जिस भी क्षेत्र में गवर्नमेंट सर्विसेज का क्षेत्र हो, पुलिस विभाग से रिलेटेड सभी विभागों में जो उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभिन्न क्षेत्र में महिलाएं थीं, उनको यहाँ पे सम्मानित करने का कार्य आज इस अभियान के अंतर्गत हुआ है। और इससे जो है विभिन्न फील्ड्स में काम करने वाली जो महिलाएं सार्वजनिक मंच पे पुरस्कृत हुई हैं, तो निसंदेह जो है एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास है। और जो हमारा मिशन शक्ति अभियान का मुख्य जो उद्देश्य था, नारी सुरक्षा को लेकर के, नारी सम्मान को लेकर के और नारी स्वावलंबन को लेकर के, तो तीनों ही फील्ड में बेहतरीन कार्य करने वाली महिलाएं यहाँ पे सम्मानित की गई हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे जो हमारा नारी सशक्तिकरण का जो प्रोग्राम है, जो मिशन शक्ति अभियान है, इसको काफ़ी बल मिलेगा। श्रम देखिए, जितने विभिन्न विभागों की हमारी जो स्कीम्स थी उसके अंतर्गत भी जो महिलाओं के कल्याणार्थ स्कीम थी उसको भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन इस अभियान के माध्यम से किया गया है। तो एक श्रम विभाग की ओर से जो साइकिल का वितरण किया गया है इसमें कुछ महिलाओं को।